यहां पर्यटन आधारित रोजगार की बहुत संभावनाएं हैं। इसके कारण इन नौजवानों को बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। छोटा गेस्ट हाउस बनाना हो, होम स्टे बनाना हो, छोटा ऑटो रखना है, टूरिस्टों के लिए जरूरी चीजें खड़ी करनी है, आप कल्पना कर सकते हैं नौजवानों के लिए कितने सारे अवसर लेकर के भाजपा का संकल्प पत्र आया है। सरकार होम स्टे के लिए जो आर्थिक मदद देगी उसका बड़ा लाभ यहां इस क्षेत्र की आदिवासी महिलाओं को भी मिलेगा। बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथी ऑटो, ट्रक, टैक्सी ड्राइवर हैं। ऐसे साथियों को ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर किया जाएगा। मकसद यही है कि उनको भी बीमा और दूसरी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। साथियों, 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती है। बीजेपी ने संकल्प लिया है कि 2025 वर्ष को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। आदिवासी कला संस्कृति से जुड़ी विरासत को समृद्ध करने के लिए फंड बढ़ाया जाएगा। एससी एसटी ओबीसी के कल्याण से जुड़ी योजनाएं तेजी से जमीन पर उतरे, इसके लिए हर जिले में जो कमेटियां बनेगी उन कमेटियों में एससी एसटी या ओबीसी के कोई न कोई प्रतिनिधि उस कमेटी में रखे जाएंगे। एकलव्य मॉडल स्कूलों की संख्या 750 तक पहुंचाने के लिए तेजी से काम किया जाएगा। जनजातियों में भी पिछड़ी जनजातियों के लिए 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना पर पहले से ही काम चल रहा है। मोदी के तीसरे कार्यकाल में इसे भी तेज गति से पूरा किया जाएगा। इन प्रयासों से मध्य प्रदेश के हमारे एससी एसटी ओबीसी समाज को आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। भाइयों और बहनों, मोदी की गारंटी वहां से शुरू होती है। मोदी की गारंटी वहां से शुरू होती है जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है। इसलिए हताश कांग्रेस ऐसी घोषणाएं कर रही है जो खुद कांग्रेस के नेताओं को ही समझ नहीं आ रहा है। कांग्रेस के शहजादे ने अभी घोषणा की, आप भी सुनकर के हंसोगे। मैं सुनाऊं? जोरों से हंसना पड़ेगा आपको। कांग्रेस के शहजादे ने घोषणा की और वो वीडियो भी देखने जैसा है। उन्होंने घोषणा की, एक झटके में देश की गरीबी हटा दूंगा। अब बताओ भाई, हंसी आएगी कि नहीं आएगी? आप हैरान हो गए कि नहीं हो गए? ऐसे लोगों पर कोई भरोसा करेगा क्या? अरे, देश पूछ रहा है आखिर ये शाही जादूगर इतने वर्षों तक कहां छुपा था? 50 साल पहले इनकी दादी ने देश से गरीबी हटाने की घोषणा की थी। 50 साल हो गए। 2014 से पहले 10 साल तक इन्होंने रिमोट से सरकार चलाई और कह रहे हैं
कि अब बस इनको एक झटके वाला मंत्र मिल गया है। ये झटके वाला मंत्र लाए कहां से, मुझे बताइए। ये गरीबों की मजाक है कि नहीं है, ये गरीबों का अपमान है कि नहीं है जी? ये झटके से गरीबी दूर होती है क्या? ये क्या बोल रहे हैं जी? उन पर कोई भरोसा करेगा क्या? ऐसे दावे करते हैं, ऐसे दावे करते हैं, और इसी के कारण ये हंसी के पात्र बन जाते हैं, देश उनको गंभीरता से नहीं लेता है। भाइयों बहनों, आपने मुझे बहुत निकट से देखा है, दिन रात मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, किसके लिए कर, सब बराबर देखा है ना मुझे, लगातार आप देख रहे हैं ना। आपको विश्वास हो गया है कि मोदी का अपना कोई सपना नहीं है, मोदी के लिए तो आपका सपना ही, ये मोदी का संकल्प है। मैं आपके लिए ही पैदा हुआ हूं, आप सभी, ये पूरा देश, मेरा भारत ही मेरा परिवार है, और इसलिए आज चारों तरफ चौड़ी सड़कें बनाई जा रही है, यहां अनेक रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो रहा है, मेडिकल कॉलेजों की संख्या 10 साल में दोगुनी हो चुकी है। कोशिश यही है कि आपको मुश्किलें न हो, आपको असुविधा न हो। लेकिन मैं कहता हूं, आप लोग कहते हैं कि यार मोदी तो बहुत काम करता है, मोदी ने बहुत काम किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, सब बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, लेकिन मोदी क्या बोलता है? मोदी कहता है इतना सारा किया है, लेकिन ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना अभी बाकी है। देश को, मध्य प्रदेश को हमें और नई ऊंचाई पर ले जाना है। हम अन्नदाता को ऊर्जा दाता और उर्वरक दाता दोनों बनाना चाहते हैं। बिजली का बिल जीरो हो, इतना ही नहीं बिजली से कमाई भी हो आपको, इसके लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हम आपके घर घर पहुंचाने के लिए काम करना चाहते हैं। सौर ऊर्जा, जैविक खाद और इथेनॉल उत्पादन में एमपी के होशंगाबाद के किसान भी नंबर एक पर पहुंचे, इसके लिए हम काम करने वाले। दालों में आत्मनिर्भरता और मोटे अनाज यानी स्त्री अन्न को दुनिया को बाजारों तक पहुंचाना, ये मोदी की प्राथमिकता है। मैं मोहन जी और उनकी सरकार की भी प्रशंसा करूंगा, वो ईमानदारी से यहां आपको दी हुई गारंटियां पूरा करने में जुटे हैं। साथियों, 19 अप्रैल को छिंदवाड़ा से मेरे नौजवान साथी भाई विवेक बंटी साहू जी को और 26 अप्रैल को होशंगाबाद से हमारे किसान नेता मेरे साथी दर्शन सिंह चौधरी जी को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाना है। अब अगली बार साथियों, मुझे पक्का विश्वास है आप तो जीता ही जीता देने वाले हो।
लेकिन मेरी एक अपेक्षा है, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं, तोड़ोगे? मेरी अपेक्षा है हर बूथ को जीतना है, बूथ जीतोगे? हर बूथ जीतोगे? बूथ जीतने के लिए ताकत लगा दोगे? तो नोट कर लीजिए, अगली बार नर्मदापुरम आऊंगा तो मावा बाटी और गुड़ की जलेबी के साथ विजय उत्सव मनाएंगे। रामनवमी आने वाली है, राम मंदिर निर्माण होने के बाद इस बार की रामनवमी बहुत महत्व है, विशेष है। आपको भी इस रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छा, मेरा एक काम करोगे, मेरा एक पर्सनल काम करोगे? ये चौधरी जी का भी नहीं है, साहू जी का भी नहीं है, मेरा है, करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताओ, करोगे? हर कोई करेगा। अच्छा, एक काम करना, जब अपने गांव जाएंगे, मोहल्ले में जाएंगे, तो अड़ोस पड़ोस के सभी परिवारों में जाकर के कहना कि हमारे मोदी जी होशंगाबाद आए थे, उन्होंने आपको राम राम कहा है, मेरा राम राम पहुंचा देंगे, मेरा राम राम पहुंचा देंगे, पक्का पहुंचा देंगे। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।